नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल रेल पटेल में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माहौल जो है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसा है कि धुआं जो है, धुंध जिसको बोलते हैं, आपको दिख रही होगी, ये सफ़ेद सफ़ेद ये बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रही है और ये सूखी गिर रही है। अगर इसमें थोड़ा सा नमी होती है तो इससे पौधों को और फूलों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसमें नमी नहीं होने की वजह से ये हमारे लिए नुकसानदायक काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आज हम बात करेंगे फिर से वही दो वैरायटियों की जिनकी डिटेल मैंने आपको शुरू में दी है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अभी के समय हमें क्या सावधानियां रखनी है। जो हमारे साथ चूक हुई है वो भी आपके साथ भी हो रही होगी, तो इस चीज़ को सावधानी में रखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हो वो हमारा ट्रैक्टर टंकी लेके जा रहा है, तो बस हमारा प्लान जो है वो बन चुका है। क्या प्लान बन चुका? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर या फिर जिनके यहाँ पर भी फ्लैग लीफ का साइज अच्छा था, वहाँ पर इस प्रकार से आपको एक इल्ली जो है इसके अंदर बैठी हुई दिख रही होगी, ये देखो, या फिर इसके अंदर देख सकते हो आप। ये जो ईल है, ये जैसे आपकी ईल आती है फॉल आर्मी ब्रॉम, उसी के जैसे, ये फॉल आर्मी जैसा ही करेक्टर वाली एक ईल है। पता नहीं कौन सी ईल है, अभी नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन ये गेहूं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जब ये गेहूं बिल्कुल पीक अवस्था में है, तब मतलब हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हो सकता है कि ये जो साइज़ था लीफ का, जैसे लीफ का साइज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये एक एक डेढ़ इंच की लीफ जो थी, इसके साइज़ के कारण हो सकता है कि इसमें उसका अटैक थोड़ा तेज हो गया और उससे हमें नुकसान देखने को मिला। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर, मतलब पहली बार ऐसा होगा कि गेहूं के अंदर ईल मार डालने का स्प्रे आ गया है, तो हम अभी इमावेक्टिन बेंजोएट ले रहे हैं। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि गेहूं जो है वो अच्छी अवस्था पे है, तो 0-52-34 भी साथ में डाल रहे हैं और एक फंगीसाइड डाल रहे हैं जिसके अंदर स्टूबिलरिन और ट्राइजॉल का कॉम्बिनेशन है। गेहूं में आप कोई सा भी डाल सकते हो, मैं उसमें आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये वाला बेहतर है या वो वाला बेहतर है। और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप नेटिवो डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इम्पैक्ट एक्स्ट्रा डाल सकते हो। बाकी मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि स्टूबिलरिन और ट्राइजॉल का कॉम्बिनेशन वाला जो सस्ता बैठे आपको, उसको अगर आप कंपनी डोज पे डालोगे तो रिजल्ट जो है लगभग सेम आएंगे। क्योंकि पिछले साल के ट्रायल में मैंने ये देखा कि मैंने कस्टूडिया भी जहाँ डाला, लेकिन क्या होता था, पहले हम अंडर डोजिंग करते थे, इस बार हमने क्या किया कि जो कंपनी डोज है, कि उन्होंने कहा है 300 ml लेकर डालना है, तो उतने ही मात्रा में डाला, तो जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्विंग आया और मज़ा भी आया। ये बात हो गई हमारी दवाई डालने की। अब बात कर लेते हैं कि गेहूं में, दोनों में आज की स्थिति में कौन बेहतर है और कौन में क्या समस्याएं दिख रही है। वैसे अगर देखा जाए तो शुरू में मुझे MSCS ने जो है काफ़ी सरप्राइज किया था, टिलर्स काफ़ी ज़ोरदार निकाले थे, हीट को काफ़ी ज़्यादा सहन किया था और सभी जगहों पर इसने जो है अपने आप को आगे लेके आया। लेकिन चूँकि 1650 भी कम नहीं है, उसी की रेंज की वैरायटी है, तो इम्प्रूवमेंट इसमें आया, लेकिन स्लोली आया पर ज़बरदस्त आया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक खासियत आप नो डाउट कह सकते हैं कि इसकी जो बाली है उसका लुक जो है वो इतना शानदार है कि कोई भी अगर बंदा इसे देखता है तो वो ये कहता है कि भाई साहब, इससे बेहतर और इससे खूबसूरत प्लॉट और किसी पौधे का नहीं हो सकता। मतलब बालियों का साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज है, हालांकि बाली में गेप है, मतलब ये जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ सर की बाली है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो सीधी इस आठ सर की बाली से ज़्यादा है। जैसे इसमें गिन के बताता हूँ आपको, 1 3 4 5 6 7 8 ये भी आठ सर की है, पर इसकी लंबाई छोटी है और इसकी लंबाई बड़ी है। अब बात आती है रिकवरी की, जो मैंने आपको बोला था, तो शुरू में जब माहौल गड़बड़ था तो MSCS के अंदर दिक्कतें कम देखने को मिल रही थी, इम्प्रूवमेंट अच्छा था, लेकिन 1650 में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी हमें नज़र आ रही थी। लेकिन समय के साथ साथ ये भी इम्प्रूवमेंट में आ रहा है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों वैरायटी आज की स्टेज में कांटे की टक्कर पे आ चुकी है। मतलब कौन सी ज़्यादा निकलेगी ये समय बताएगा, लेकिन आज में अगर आप कंपेयर करना चाहोगे इस वैरायटी को इस वैरायटी से, तो यहाँ खड़ के आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर है। पहले क्या हुआ था कि क्लोरोफिल इसने ज़्यादा लिया था, लेकिन जैसे ही ये बालियों की स्टेज पर आने लगा तो इसने जो डार्कनेस बनाई है, मतलब अभी मैं आपको पत्तियों का कलर बताता हूँ, इतना डार्क कलर हो चुका है कि ये भी कह रहा है कि भाई साहब, आप मेरे को कम समझ रहे थे,
शुरू में आपने मेरी काफ़ी बुराइयाँ की, लेकिन अब बुराई करके बताओ, मतलब जो पत्तियों पे डार्कनेस है इसके में वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो चुकी है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डार्कनेस तो पहले से ही थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आता है जब आपकी मतलब बालियाँ बाहर निसकती है, जब मतलब कलर में थोड़ा सा लाइट पन आने लगता है, जिसे आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये निकलते टाइम की अवस्थाओं में है। अब क्या हुआ कि मैं जब यहाँ आके खड़ के मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यार चलो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो स्थिति ये है कि भैया कांटे की टक्कर हो चुकी है। खूबसूरती की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि 1650 की खूबसूरती जो भी देखेगा वो कहेगा कि 1650 बेहतर है, लेकिन हमें क्या है उसकी बाली का साइज़ के साथ सर भी देखने होते हैं। क्या होता है कि काफ़ी किसान भाई प्लॉट देखते हैं दूर से, तो उनको दिखती है बाली लंबी, लंबी बाली दिखने में वो क्या सोचते हैं कि भैया ये पौधे की बाली लंबी है, मतलब ये ज़्यादा पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सर आठ का है, इसके भी सर आठ का है, लेकिन बाली का साइज जो है वो छोटा है। अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा वो आपके सामने एक लाइव दो बालियां तोड़ के एग्जांपल भी दूंगा, पर हम ये समझ रहे हैं आज की परिस्थिति में कि इन दोनों वेराइटियों को टक्कर देने के लिए मतलब एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों वेराइटियों में एक बहुत ज़्यादा निकल जाए या एक बहुत कम निकल जाए, दोनों ही आसपास में रहेगी और अब पता चलेगा कि पैदावार किसकी ज़्यादा आती है। अब बात आ जाती है कि मैं आपको एक अच्छे साइज की बाली, जैसे इसकी ये है, ये मैंने निकाल के ये रख दी, अब एक अच्छे साइज की बाली, ये एकदम कॉर्नर की ये मैंने निकाली और ये रख दी। अब आप देखिए दोनों बालियों को, ये है MSCA 67 68 की वाली और ये वाली है HI 1650 की। अब अपन सर दोनों में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये दोनों बालियां वैसे अगर आप साइज में देखोगे तो इसकी ये छोटी है, क्योंकि ये बड़ी वाली है, ये लंबाई में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे इन दोनों में दानों की संख्या में तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा दिख रहा है बजाय इसके। कैसे, यहाँ पर आप देखोगे तो जो हेड है, इसका जो हेड है ये पूरा फुल ओपन है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो हेड है इस पे दाने भराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें कि 1650 का हेड, तो 1650 के हेड पे दाने भराने की संख्या जो है वो कम है, हालांकि अंदर कितने दाने लेता है ये और साइज कितना लेता है उसका आकलन तो काफ़ी समय बाद लगेगा, पर आप बाली देख के जज ना करें कि ज़्यादा बेहतर कौन सा गेहूं है। मेरा बस ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, क्योंकि दोनों की बालियाँ जो है अपने हिसाब से बराबर है, लेकिन जब ये प्लॉट पर ऐसी दिखती है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार 1650 की बाली में दम है, और इसकी कुछ इस प्रकार दिखती है तो ये लगती है कि यार छोटी बाली है इसमें उतना दम नहीं होगा, पर एट दी एंड रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग निकलने वाले हैं, क्योंकि दोनों की बाली में आपको जो है फर्क जो है वो दिख नहीं रहा है उपज के हिसाब से, बाकी ऐसे तो दिख रहा है, तो आगे एंड में पता चलेगा कि दोनों में से कौन बेहतर निकलने वाला है। अभी मेरा बताने का पर्पस ये था कि दोनों ही वैरायटी अब कंपटीशन पे आ चुकी है, फुल कंपटीशन पे, कि मैं बेहतर हूँ कि ये बेहतर है आप देख के बताओ। तो एट द एंड जब निकलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइव वीडियो चलाएंगे, इसमें कितने टैंक निकले, या फिर जब भी टैंक भराएगा, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो जब भी टैंक भराएगा तो टैंक भरा के टैंक खाली होगा जब तक मैं वीडियो इसका बनाऊंगा, फिर टैंक भरा के टैंक खाली होगा इसका जब इसका वीडियो बनाऊंगा, ताकि दोनों के हम वीडियो बना सकें, दोनों का हम लेवल चेक कर सकें और दोनों से आकलन लगा सकें कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर निकला कौन है। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकोगे। अगर हम हाइट इशू की बात करें कि लॉजिंग वाली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस साल जो क्लाइमेट है वो यही कह रहा है कि भैया अगर आपका गेहूं ज़्यादा बड़ा तो मैं फेंक दूंगा, उस परिस्थिति में देखें तो दोनों में अगर ये 90 सेंटीमीटर पे जा रहा है तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट ज़्यादा जाएगी, अगर ये 95 सेंटीमीटर पे जा रहा है तो इसकी 10 सेंटीमीटर ज़्यादा जाएगी, मेरे को जहाँ तक लगता है, बाकी कोई खासा डिफरेंस नहीं रहने वाला। और लॉजिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिंग जो है दोनों में बहुत कम आकलन की जाएगी, क्योंकि जो स्टेम है, मैं आपको दोनों के स्टेम की चौड़ाई बताता हूँ, ये देखिए ये ऐसे दिख रहा होगा, ये जमीन पर बताते हैं, ये जो है
ये स्टेम की इसका जो साइज है आप देख सकते हो, ये जो सर निकल के आई है इसका जो साइज है ये काफ़ी हार्ड है। और वहीं 1650 का भी अगर आप देखो तो उसका भी काफ़ी हार्ड है। और अगर हाइट का मतलब कैलकुलेशन लगाएं अपन, तो अभी क्या है कि हमारी पूरी प्रॉपर वाली नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। पर इनके दोनों की हार्डनेस अगर हम देखें तो ये जो है काफ़ी कड़क है और काफ़ी मोटा है, तो ये गिरने में जो है मतलब आसान नहीं है इन दोनों गेहूं को गिराना, मतलब लॉजिंग दोनों में ही कम आएगी जो अभी चल रही उन वेराइटियों से। बाकी दिक्कत है जो अगर कभी ज़्यादा हाइट एक्सेसिव गई 1650 की, तो उसमें हाइट में इशू आ सकता है अगर आप सीड रेट हाई रखेंगे, तो सीड रेट थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। रही बात MSCS की, तो MSCS भी हाइट में कोई कम नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो कह रहे हैं कि इसकी हाइट कम है, लेकिन अगर आप कंपेरेटिव देखें तो दोनों की हाइट अभी बराबर चल रही है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। ये पूरा थोक अभी हुआ नहीं है, ये होने के बाद आपको बताएगा कितनी हाइट आई है। ये भी पूरा थोक नहीं हुआ है, तो ये भी होने के बाद बताएगा, जब होगा तब भी एक वीडियो बना के आपको क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ सावधानियां तो आपको बता ही दी है, अब आपको बस ध्यान रखना है कि जो नुकसान हमारे पौधों के साथ हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, ये नुकसान जो हमारे पौधों के साथ हुआ है, ये नुकसान आपके पौधों में नहीं हो, इसलिए आप समय से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके गेहूं को बचाएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।